ये जो है मेरा स्ट्रेटनर, अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ, देखो ये। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिंदी हेल्थ टिप्स फॉर यू। आज की हमारी जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि आप ये हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करके कैसे अपने बालों को सेट कर सकते हो, कैसे अपने बालों को खड़े कर सकते हो, कैसे अपने बालों के अच्छी वॉल्यूम दे सकते हो। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो दिखाया था, जिस वीडियो में दिखाया था कि आप हेयर स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर को यूज़ ना करके कैसे अपने बालों को खड़े कर सकते हो। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट आ रहा है कि हेयर स्ट्रेटनर कैसे हम बालों पे यूज़ करें वो दिखाओ। तो आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ जो लोग बेसिकली हेयर स्ट्रेटनर को यूज़ करके अपने बालों को खड़ा करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए, तो चलिए शुरू करते। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए सिर्फ आपको चाहिए सीरम और थोड़ा सा वाटर। अगर आप नहा के आए हो तो वाटर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाल थोड़ा गीले करने की ज़रूरत है। तो मैं बाल गीले करने के लिए वाटर की यूज़ करूँ। अगर आप पहले से नहा के हो, बाल थोड़ा गीले हैं, तो वाटर की ज़रूरत नहीं। तो पहले मैं अपनी बालों को गीले कर लेता हूँ और उसके बाद मैं सीरम को बालों पर लगाऊंगा। तो हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करने से पहले, हेयर स्ट्रेट करने से पहले बालों पर सीरम लगाना बहुत ही ज़रूरत, खासकर ऑयल बिल्कुल भी मत लगाना। अगर आप ऑयल यूज़ करोगे तो बाल तो स्ट्रेट नहीं होगा, उल्टा हेयर स्ट्रेटनर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो बालों को गीला कर लेते पानी के। तो गाइस देख पा रहे हो कि मैं अपनी बालों को एकदम से अच्छे से गीले कर ले और मेरे बालों पे एकदम से वॉल्यूम नहीं है। तो गीले करने के बाद अब मैं यूज़ करने वाला हूँ इस सीरम को। तो सीरम आप जो भी चाहे, जिस कंपनी का चाहे, मैं खादी का यूज़ कर रहा हूँ, आप ना चाहे तो कोई भी सीरम हो चलेगा जो आपकी मनपसंद हो। खादी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आपको भी खादी का यूज़ करना ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बालों पे सीरम से अच्छे से मसाज करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऑयल लगा देते हैं, ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो सेट है, मैं अपने बालों पर अच्छे से सीरम लगा दिया हूँ। अब मुझे थोड़ी बहुत वेट करना है क्योंकि बालों को सुखाना है। सुखाने के बाद हम शुरू करेंगे स्ट्रेटनिंग की प्रोसेस। तो गाइस मैं अपनी बालों को अच्छे से सुखा लियो पंखे की मदद से। तो अब चाहो तो यहाँ पर हेयर ड्रायर यूज़ कर सकते हो, हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखा सकते हो। लेकिन मैं हेयर ड्रायर पर्सनली यूज़ नहीं करता, वो बालों पर बहुत ही बुरा असर लाते हैं। तो ये जो है मेरा स्ट्रेटनर, अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ, लाइट जल रहे हैं, ऑन हो गए, और इसको मैं खोल लेता हूँ, ठीक है, खुल गया। तो इसको थोड़ा गर्म होने के टाइम देते हैं। स्ट्रेटनर अच्छे से गर्म हो गया है स्ट्रेटनर, अब मैं स्ट्रेटनर यूज़ करने वाले। देखिए आप बाल पहले किस तरह से सेट करना चाहते हो, ऐसे कि यहाँ तक लाने चाहते हो कि यहाँ से सब तरह से उठाना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको स्ट्रेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इस साइड से ऐसे चारों साइड से बालों को ऐसे ऊपर तक लेके जाऊँगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, पहले इस बालों को टारगेट कीजिए, फिर ऊपर, फिर ऐसे पकड़िए इसको ऊपर, अब ऐसे पकड़िए, ये मेरा बाल तो बहुत बड़े नहीं है तो इसलिए ऊपर तक, और फिर इस साइड से देख रहे हो कि ये कितने काल हो जा रहा है। तो इसको मैं अच्छे से ठीक कर रहूँगा, इसको लेकर इस साइड तक। चाहो तो यहाँ पर कंकी की मदद ले सकते हो, कंकी से दोनों बालों को सेपरेट करके। लेकिन मेरे बाल पहले से सेपरेट है, ऊपर का अलग नीचे का अलग। देख रहे हो कि अभी भी मेरे बालों में कितना वॉल्यूम आया है, मेरे बाल कितने खड़े हो गए अभी में। तो इस साइड का हो गया, फ्रंट में भी हो गया, अब इस साइड का बारी है। तो मेरे को क्या करना है, इसी तरफ घुमा देना है, पकड़ के ऐसे कर देना है। तो आप देख रहे थे थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर पहले मेरी यहाँ का जो बाल है वो थोड़ा काल हो जा रहे थे, काली थे, लेकिन स्ट्रेटनर की मदद से मैं इसे
एकदम अच्छे से वॉल्यूम आ गया मेरे बालों पर। आप देख रहे हो कि कितने अच्छे से वॉल्यूम आ गया। स्ट्रेटनर की मदद से मैंने अपने बालों को स्ट्रेट कर लिया हूँ। तो अब चाहोगे तो ये जो बाल है आप इससे इस तरफ भी ला सकते हो। मैं तो दोनों साइड पर ही बालों को ऊपर कर दिया, लेकिन आप चाहो तो एक साइड पर सुला देना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरे बालों पर इतने अच्छे से वॉल्यूम आ गया, कितना अच्छा ग्लॉस लुक आ गया। तो स्ट्रेटनर को मैं अभी बंद कर लेता हूँ क्योंकि मेरे बाल जो स्ट्रेट हो गए, खड़े भी हो गए। तो आप घर में ऐसा आसानी से स्ट्रेटनर यूज़ कर सकते हो। लेकिन स्ट्रेटनर यूज़ करने में एक बात मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर आप कोई फंक्शन में जा रहे हो, कोई पार्टी में जा रहे हो, कोई शादी वगैरह अटेंड करने जा रहे हो, तभी स्ट्रेटनर यूज़ करो। स्ट्रेटनर महीने में एक से दो बार यूज़ करो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगोगे, रोज़ यूज़ करने लगोगे, हफ्ते में दो तीन बार यूज़ करो, तो आपकी जो बाल है बहुत जल्दी से हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा और आप टकले बन जाओगे। क्योंकि स्ट्रेटनर की जो गर्म है, इसके अब बालों पर जो हीट देते हैं, गर्म देते हो, तो उसके वजह से आपके बालों के रूट बहुत ही वीक हो जाते, बाल भी डैमेज हो जाते हैं। इसलिए आपको महीने में एक या दो बार करें, उससे ज़्यादा नहीं। बाल डैमेज होंगे तो आपके बाल बहुत तेज़ी से गिरेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश किया हूँ कि स्ट्रेटनर की सारा प्रोसेस कि कैसे घर में आसानी से, घर में सिर्फ पार्लर ना जाके, घर में सिर्फ स्ट्रेटनर और हेयर सीरम और वाटर की मदद से आपके बाल कैसे खड़े कर सकते हो, बालों पर अच्छी वॉल्यूम कैसे ला सकते हो, तो मैंने आसानी से दिखा दिया। आपकी बारी, आप घर में ट्राई कर सकते हो सेफली, लेकिन महीने में दो से ज़्यादा नहीं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो कि आप स्ट्रेटनर की मदद से कैसे अपने बालों पर अच्छी वॉल्यूम ला सकते हो, कैसे अपने बालों को खड़े कर सकते हो। तो वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और हमारे चैनल हिंदी हेल्प टिप्स फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को